देखिए, सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का जीरो बिजली बिल आता है उनका जीरो बिजली बिल आता रहेगा, चाहे ये सरचार्ज बढ़े चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। पीपीएसी यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट, जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे डीईआरसी हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इम्पोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड कोयले की का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज करिए तो वो तकरीबन 2000 रुपए टन का आता है, लेकिन अब जो फॉरेन कोल इम्पोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज करना पड़ रहा है वो 25000 रुपए टन आ रहा है। तो आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इम्पोर्टर्स हैं उनकी केंद्र सरकार की उनकी साथ क्या साठगांठ है कि 10 गुना दाम पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि कोयला खरीदना पड़ रहा है। जिनके बिजली के दाम उनके ये दाम बढ़ेंगे आप ये कह रही हैं, मतलब 200 यूनिट से ज्यादा वालों का कितना असर पड़ेगा मैम, अगर इसको थोड़ा सा बता दें। समझना चाहते हैं तो लोगों के बिल पे कितना असर पड़ेगा यूनिट वाइज भी, ये बिल वाइज भी आप। तो देखिए, जिनके 200 यूनिट तक के फ्री बिजली बिल आते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उनमें पर यूनिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैरिफ तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा, तो अगर 100 रुपए का बिल आ रहा है तो वो 108 रुपए का बिल आएगा। और मैं फिर से दिल्ली के कंज्यूमर्स को बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से, बढ़ते हुए कोयले के दामों की वजह से। और मैं ये पूछना चाहूंगी केंद्र सरकार से कि क्या आपके कोल इम्पोर्टर्स के साथ कोई साठगांठ है जो आप 10 गुना महंगा कोयला किसी भी बिजली के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्लांट जो भी कंपनी बिजली बना रही है उनके साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो कि उनको 10% कोयला महंगे दामों पर खरीदना होगा ही होगा। मैम, सरकार फ्री में बिजली देती है, ये 8% बढ़ने के बाद आपको कितना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? देखिए, उसका तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे। मैम, महंगा होगा सरकार उसको मैनेज कर सकती है कि लोगों पे ज्यादा भार ना पड़े? देखिए, मैं तो केंद्र सरकार से पूछूंगी कि 75 साल में पहली बार कोयले का शॉर्टेज कैसे हो गया? देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, भारत में कोयले की खदानों की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद अगर प्रोडक्शन में शॉर्टेज होता है तो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं है क्या? क्या ये जबरदस्ती कोयला इंपोर्ट करने के लिए नहीं है क्या? क्या ये कोयला इंपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है क्या? क्योंकि ये जो प्रोसेस है जिसमें हर 3 महीने बिजली के दाम के अनुसार ये सरचार्ज बढ़ भी सकता है, ये सरचार्ज घट भी सकता है। अगर बिजली का दाम कम होता है तो हर 3 महीने में ये सरचार्ज जो कैलकुलेट होता है ये एक डे टू डे प्रोसेस से कैलकुलेट होता है, तो 3 महीने के लिए सरचार्ज बढ़ भी सकता है, सरचार्ज घट भी सकता है। मैम, एक और सवाल है, ज्यादा देना पड़ेगा लोगों को आप ये कह रही हैं? जी मैम, एक और सवाल ये है, केजरीवाल साहब को याद दिलाना चाहते हैं, आप बिजली के खंभों पर लटककर तारों पर और कहते थे कि हम आएंगे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे, अंबानी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज FIR दर्ज कराने के लिए आप गए थे, आपने आज 8 साल तक इन अपने कुकर्मों का ऑडिट क्यों नहीं कराया? नंबर 1 पूछना चाहते हैं, आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन के नाम से तो 3904,000 के करीब करोड़ रुपया जनता का ठग लिया, उसके साथ साथ आप लोगों से पूछना चाहते हैं
कि आपने जो फिक्स चार्ज के नाम के 16,233 करोड़ रुपए जनता से लिए वो कहां है। उसके बाद आपने सब्सिडी के नाम से कंपनियों को 26,000 करोड़ रुपए दिए, ये टोटल अमाउंट तीनों का मिलकर बन जाता है 75,000 करोड़, जो दिल्ली सरकार का एक साल का टोटल बजट है। इस दिल्ली के पैसे के जनता का आप हिसाब क्यों नहीं देते? क्या अब आपने रिलायंस कंपनी के मालिक अंबानी जी से रिश्तेदारी कर ली क्या? अब रिश्तेदारी तो की नहीं, वरना अखबारों में मीडिया में आता। तो टेबल के नीचे से शराब घोटाले वालों की तरह लेन देन शुरू किया जा रहा है क्या? यह ऑडिट क्यों नहीं हुई है? पहला सवाल यह केजरीवाल साहब से उठता है। दूसरा सवाल केजरीवाल साहब पे उठता है, केजरीवाल साहब आपने कहा था जो आज 10% के करीब आपने सरचार्ज बढ़ाकर और गरीबों को ठगने का काम किया है। आपने कहा था कि जो दिल्ली की कंज्यूमर की पॉपुलेशन जो जितने कनेक्शन हैं वो लगभग 65 लाख के करीब हैं। 2012 से लेकर 14 से लेकर 2022 तक 43 लाख से वो 65 लाख हो गए, जिनमें डोमेस्टिक बिजली 83.49% लोग यूज करते हैं उस बिजली के अंदर। आप जो बिजली खरीदते हैं वो लगभग 84% केंद्र सरकार से बिजली आती है,